हेलो दोस्तों, आपका अपने स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बनारस पे। मैं इसमें मौजूद हूँ ललिता घाट पे और आपको दिखाऊंगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो कार्य चल रहा है वो कार्य कहाँ तक पूरा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ठीक आपका जलासीन घाट है। चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ क्या लेटेस्ट अपडेट है यहाँ का। चलिए दोस्तों वीडियो बने रहिए, वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को नया चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने आपका जो कि ललिता घाट है और वहीं पर स्थित है आपका नेपाली टेम्पल और इसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। और दोस्तों आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो कि कार्य चल रहा है और ये कार्य जो कि अंतिम चरण में चल रहा है। चलिए दोस्तों आपको पास से चल के वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों सामने भी जो कि ऊपर कार्य लगा हुआ है, मेन पावर लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। और दोस्तों मैं इस समय मौजूद हूँ ललिता घाट पे, आप देख सकते हैं आप, ये वही जगह है जहाँ पे कि 21 जून को योग दिवस पे योगा का कार्यक्रम किया गया था, आप देख सकते हैं। और देखिए आपका सामने बैनर भी लगा हुआ है। आइए दोस्तों आपको इधर भी दिखा दूं, इधर भी कार्य लगा हुआ है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊपर जो कि भवनों को रंगने का कार्य हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इसमें रंगैया का कार्य चल रहा है। हम चलते रील बनाओ करील। देखिए दोस्तों इसमें जो कि भवनों को रंगा जा रहा है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कि पत्थर को पॉलिश करने का कार्य चल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कि आपका पत्थर लगाने का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों देख सकते हैं कि आप पूरे घाट को खाली कर दिया गया है यहाँ से, जो कि पूरे पत्थरों को हटा दिया गया है। चलिए दोस्तों आपको इधर देखा तो क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों सामने जो कि कार्य लगा हुआ है, मेन पावर लगे हुए हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर भी जो कि कार्य लगा हुआ है इस समय, आप यहाँ से भी जो कि माँ गंगा का नजारा ले सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ से भी माँ गंगा का नजारा ले सकते हैं। देखिए दोस्तों सामने का भी क्या नजारा है और यहाँ पर भी कुछ पत्थरे रखे गए हैं और इन पत्थरों का प्रयोग यहाँ दीवार पे हो रहा है। गंगा द्वार के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर दिखा दूं कि आपका जो मणिकंका घाट पे यहाँ पर जो कि मिट्टी हटाने का कार्य शुरू हो गया है, मलबों को हटाया जा रहा है जिससे कि माँ गंगा पूरे घाट किनारे तक पहुँच जाए। देखिए दोस्तों जेसीबी मशीन द्वारा मिट्टी को हटाया जा रहा है। और दोस्तों इसे भी जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ, आगे क्या हो रहा है आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैं इसमें मणिकंका घाट के ठीक सामने खड़ा हूँ, आपको दिखा दूँ रैम के बाहर जो पत्थर लगाने का कार्य चल रहा था वो कार्य कहाँ पूरा हुआ है। चलिए दोस्तों दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि आपका रैम का एंट्री गेट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि पत्थर लगाने का कार्य पूरा हो गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा जो कि आगे से पत्थर लगा दिया गया है। अब ऊपर जो कि जो खिड़कियों में जाली लगाने का कार्य चल रहा है और इसे भी जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको दिखा दूं कि यहाँ देखिए मणिकंका घाट, देखिए दोस्तों मैं इसमें मणिकंका घाट पर मौजूद हूँ और आपको यहाँ दिखा दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी संख्या में भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज काफी संख्या में अंतिम संस्कार हो रहा है।
और दोस्तों आपको इधर दिखा दूँ, इधर जो कि आपका रॉकेट मिसाइल है, क्या शानदार नज़ारा लग रहा है इसमें रॉकेट लाइट का। इधर दिखा दूँ, जिधर सीवेज पंप की टंकी है उधर जो कि पत्थर लगाने का कार्य चल रहा था दीवारों पे, उसे पूरा कर दिया गया है। और दोस्तों अब खाली यहाँ जो कि आपका रह गया खिड़की बजाली लगाने का कार्य, इसे भी जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो पत्थर के बीच में गैपिंग है उनमें मसाला भर के उनकी इंटरलॉकिंग किया जा रहा है, जिससे कि पत्थर की मजबूती बनी रहे। आप देख सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो कि पत्थरों को ला के रखा गया है। और दोस्तों वहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि जो बोरियाँ रखी गई हैं उनमें सारे बालू और गिट्टी भरा गया जो वहाँ पे थे, अब वहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर आपका मलबा हटाने का कार्य चल रहा था। और देख सकते हैं कि वहाँ से जो कि बोरियों को लाकर यहाँ पर रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बोरियों को रख दिया गया है, क्योंकि दोस्तों वहाँ से जो कि आपका जो कि पूरा मलबा हटाने का कार्य चल रहा है और इसे जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा, इसीलिए उन बोरियों को वहाँ से हटाकर यहाँ पर रखा जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ, आपको आगे का भी नज़ारा दिखाता हूँ। भी पत्थरों को लाकर रखा गया है और इन पत्थरों का प्रयोग रैम के अंदर फर्श पर बिछाने में काम आएगा, और आप देख सकते हैं कि इस समय रैम के अंदर काम लगा हुआ है और इसके अंदर जो कि कार्य बहुत तेजी में हो रहा है, इसे भी जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी साइन बोर्ड लगा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ, आपको आगे का भी नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है इसमें घाट का, और घाट इसमें देखिए पूरा एकदम खाली है, यहाँ से पूरे घाट से पत्थरों को हटा दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, इधर जो कि एक लिफ्ट बना हुआ है और इन्हीं से लेटर सीढ़ी द्वारा हम ऊपर चलेंगे। देखिए दोस्तों, इस समय हम जो कि ऊपर पहुंच चुके हैं और आपको यहां से दिखा दूं गंगा द्वार का क्या नज़ारा है इस समय। चलिए दोस्तों आगे चलता हूं, आगे चल के आपको आगे का भी झलक दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे क्या खूबसूरत लाइटें लगाई गई हैं। तो ये माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा है और सामने आपका जो कि बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार है, और इस समय रात का 8 बज रहा है और ये गेट बंद हो चुका है। ये गेट आपका 7 बजे तक खुला रहता है, इसके बाद इधर से एंट्री नहीं है, आप 4 नंबर गेट से आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये लॉकर है, ये बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है मंदिर प्रांगण में। चलिए दोस्तों आपको आगे का भी नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये भारत माता की प्रतिमा है। देखिए दोस्तों, अभी इस मंदिर का भी निर्माण हो रहा है और ये इसे भी जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी शौचालय बना, अभी ये चालू नहीं है, इसे भी जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने श्री अमृतेश्वर महादेव का मंदिर है और इस मंदिर का भी निर्माण हो गया। चलिए दोस्तों आगे चलता, आगे चल के आपको आगे का भी नजारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपका इधर जो रास्ता जो कि पशुपतिनाथ नेपाली टेम्पल तरफ चला जाएगा। और चलिए दोस्तों आपको इधर भी दिखा दूं, इधर क्या निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी जो कि निर्माण कार्य चल रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन मंदिरों का निर्माण हो गया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे भी 3-4 चौतरे बनाए गए हैं बैठने के लिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर जो कि कुछ दुकानें बनाई गई हैं और इन्हें भी जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों क्या भव्य नज़ारा लग रहा है इसमें मंदिर प्रांगण का। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कि आपका गणपति भगवान का मंदिर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे का भी नजारा आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों क्या भव्य नजारा लग रहा है गंगा द्वार का। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें मंदिर प्रांगण खाली हो चुका है क्योंकि इस समय 8 बज रहा है। हम इन्हीं इस लेटर सीढ़ी द्वारा नीचे चलेंगे और नीचे चल के आपको माँ गंगा का भी दर्शन कराएंगे। हम नीचे आ गए हैं, चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ भी क्या कार्य हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्पो द्वारा पेंट मंगाया गया है जो कि मंदिर प्रांगण में पेंट होगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेय जल का भी व्यवस्था किया गया है। दोस्तों सामने जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, देखिए दोस्तों सामने जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वहाँ पर जो कि मैन पावर चढ़ के पत्थर का सफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों आप दोस्तों देख सकते हैं कि दोस्तों इधर भी कार्य लगा हुआ है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रात में काम लगा हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी जो कि कार्य लगा हुआ है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जाते हैं। हर हर महादेव।